रतलाम जिले के सेलाना से बदनावर गई एक बारात फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। आधे बाराती इलाज के लिए बदनावर रुक गए तो आधे बाराती बस में सवार होकर रतलाम के मेडिकल कॉलेज में इलाज हेतु पहुंचे। सभी बारातियों की हालत अब खतरे से बाहर है। डॉक्टरों के हड़ताल के बाद भी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन मरीजों के बेहतर उपचार के लिए जुटा हुआ नजर आया। मेडिकल कॉलेज के डीन स्वयं बीमारों का इलाज करते नजर आए। मिली जानकारी के अनुसार सेलाना निवासी लालू के बेटे गोविंद की बारात आज बस से धार जिले के बदनावर के पास ग्राम धमाड़ा में गई थी। शादी की सारी रस्में पूरी कर बारात वापस सेलाना दोपहर को लौटना थी। बारातियों ने दोपहर को शादी समारोह में भोजन किया। भोजन के बाद बारातियों की तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने पर कुछ बारातियों को बदनावर के सिविल हॉस्पिटल में इलाज हेतु लाया गया, जहां सभी को इलाज के लिए भर्ती कर लिया गया। डॉक्टरों की हड़ताल होने से बदनावर हॉस्पिटल से कुछ बारातियों को रतलाम इलाज हेतु भेजा गया। ये सभी बाराती बारात ले गई बस से ही रतलाम के मेडिकल कॉलेज इलाज हेतु पहुंचे, जहां करीब 25 बारातियों को इलाज के लिए भर्ती किया गया। इनमें महिला और बच्चे भी शामिल है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता के मुताबिक बाराती फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। करीब 23 से 25 बाराती यहाँ एडमिट है। सभी की हालत अब खतरे से बाहर है। बच्चों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। हड़ताल के बावजूद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। सर, आज एक बारात भी यहाँ आई है फूड पॉइजनिंग की। कितने पेशेंट हैं और कहाँ से ये बारात थी और क्या उपचार किया गया, जबकि मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हड़ताल पे, किस तरह से आपने व्यवस्था की है? ये बारात बदनावर सेलाना से बदनावर गई थी और बदनावर में कोई छोटा कस्बा है, वहाँ पर खाना खाया था। दाल बाटी लड्डू ऐसा कोई था वहाँ पर खाना। तो अभी बस भर के हमारे पास में आई है, तो करीब 25 पेशेंट, 23 से 25 पेशेंट हमने यहाँ पर भर्ती करे, जिनको लक्षण लूज मोशन है कुछ लोगों को, बाकी अधिकतर को उल्टी है और कमजोरियाँ हैं। और हमारे डॉक्टर अभी हड़ताल के बावजूद भी यहाँ पर लगे हुए हैं और नर्सिंग स्टाफ पूरी तरह से तैनात है और उनकी सेवा हो रही है। अच्छा, कुछ पेशेंट को गंभीर वगैरह? कुछ बच्चे हैं जिनको हमको खास करके ध्यान रखना है, तो उनको ध्यान रखा जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो इतना लग नहीं रहा है, फिर भी समय के साथ में कितने सिम्टम और आते हैं तो उस हिसाब से उनका ट्रीटमेंट और आगे करेंगे। रतलाम से पवन धाकड़ की ये रिपोर्ट। वॉइस ऑफ एमपी की मुहिम, बेजुबान पक्षियों के लिए दान करें सकोरे या फिर अपने मकान के छत पर रखें सकोरे, भीषण गर्मी में सुने इनकी फरियाद।